रूस और यूक्रेन की जंग में बाबा वेंगा नाम की एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी फिर चर्चा में आ गई। 1996 में ही बाबा वेंगा ने 85 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था, लेकिन उनकी कही बहुत सारी बातें इससे पहले भी सटीक साबित हुई हैं। और इस बार भी रूस पर कही गई उनकी कुछ बातें सही साबित होने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि 2022 में रूस दुनिया का बादशाह बनेगा। इसके अलावा एक और दावा किया था कि यूरोप बंजर भूमि की तरह हो जाएगा। खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सभी बर्फ जैसे पिघल जाएंगे, केवल एक ही अछूता रहेगा, व्लादिमीर की महिमा, रूस की महिमा। बाबा वेंगा के नाम से मशहूर इस ज्योतिषी का असली नाम वेंगेलिया पांडेवा गुस्तरोवा बताया जाता है, क्योंकि 9/11 के हमलों, ISIS, सीरिया और ब्रेक्सिट से जुड़ी उनकी भविष्यवाणियां भी इससे पहले सटीक होने का दावा किया जाता रहा है। और उन्हें मानने वाले लोग अब दावा कर रहे हैं कि रूस से जुड़ी उनकी भविष्यवाणी भी सटीक साबित हुई है। इंटरनेट पर बाबा वेंगा की कुछ और भविष्यवाणियां भी की चर्चा हो रही है जो उन्होंने इसी साल के लिए की हुई हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 में एशिया के कई देश और ऑस्ट्रेलिया बाढ़ की मार झेल सकते हैं। इसके अलावा 2022 में दुनिया भर में पानी का संकट गहराने की भविष्यवाणी भी की गई थी, जिसकी वजह भी बताई गई थी। और ये कहा गया था कि कई नदियों का पानी प्रदूषित हो जाएगा, जिसकी वजह से झीलों और तालाबों को भी नुकसान होगा। वहीं 2022 में ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का अनुमान भी उन्होंने कई साल पहले ही जता दिया था, जिसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ने का दावा किया गया, जहाँ तापमान 50 डिग्री के पार जा सकता है। और इस बीच यूक्रेन पर हमले के विरोध में फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा से भी रूस को तगड़ा झटका लगा है। फीफा ने ऐलान कर दिया है कि रूस में कोई भी इंटरनेशनल मैच अब नहीं खेला जाएगा। साथ ही विदेशों में भी फीफा के किसी आयोजन में रूस के राष्ट्रगान और झंडे के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। इतना ही नहीं, इन आयोजनों में रूस की टीम अपने देश का नाम तक इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, यानी उसे नाम बदल कर खेलना होगा। इसके अलावा उन मैचों के दौरान स्टेडियम में दर्शक भी मौजूद नहीं रहेंगे। इसका मतलब रूस के खिलाड़ी इस साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा तो ले सकते हैं, मगर वो वहां अपने देश का नाम, राष्ट्रगान और झंडा नहीं फहरा पाएंगे। हालांकि फ्रांस समेत कई देशों ने रूस को फुटबॉल विश्व कप से ही बाहर रखने की मांग उठा दी। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। युद्ध के पांचवें दिन बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हुई, जिसमें यह फैसला नहीं हो सका कि दोनों देशों के बीच जंग थमेगी या नहीं। लेकिन बातचीत खत्म होते ही रूस ने कीव पर हवाई और मिसाइल हमले तेज कर दिए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। रूस के इन हवाई हमलों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के वक्त शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमले के बाद वहां जबरदस्त विस्फोट दिखा। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर से भी इनकी आवाजें सुनाई देने लगी। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर तक उठता हुआ नजर आया। राजधानी कीव से एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी देने वाला एयर वार्निंग अलार्म लगातार बजता रहा। इस सायरन का मतलब शहर के लोगों को अलर्ट करना होता है, ताकि हवाई हमलों से पहले लोग बंकर और दूसरी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। उधर रूस से लड़ रहे यूक्रेन को वहां के अलगाववादी संगठनों ने एक बड़ा झटका दिया। इन संगठनों ने यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा किया, और इसके लिए सेना की गाड़ी में बैठा एक जवान अपनी दो उंगलियों से जीत का इशारा करता दिखाई दिया। इस जगह पर कितना संघर्ष हुआ होगा, इसका अंदाजा बम धमाकों से उठे धुएं और टूटी गाड़ियों से लगाया जा सकता है। इन अलगाववादियों का दावा है कि उन्होंने डोनेस्क प्रांत के और 6 किलोमीटर के दायरे में अपनी धाक जमा ली है। ये वही डोनेस्क प्रांत है जिसे पिछले हफ्ते रूस ने अलग देश के तौर पर अपनी मान्यता दे दी थी। यही नहीं, इन अलगाववादियों को भी रूस का समर्थन हासिल है। युद्ध के बीच इस बात को हवा मिल गई कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर ताइवान का है। जिस दिन से यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, उसी दिन से ताइवान पर संकट की खबर भी सुर्खियों में है। और अब तो रूस के पूर्व चेस खिलाड़ी गैरी कास्परोव ने खुद ये बात कह दी और इशारा कर दिया कि यूक्रेन के बाद ताइवान की बारी है। रूस के पूर्व चेस चैंपियन गैरी कास्परोव और पुतिन के बीच 36 का आंकड़ा है। गैरी कास्परोव खुलकर रूस के यूक्रेन पर हमले का विरोध कर चुके हैं, लेकिन उनकी जिस बात ने दुनिया की नींद उड़ा दी वो है ताइवान पर चीन के हमले का डर। उन्होंने एक इंटरव्यू में सीधा बोल दिया कि यूक्रेन संकट केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर पुतिन यूक्रेन में कामयाब होते हैं तो अगला नंबर ताइवान का होगा। कास्परोव की इस चेतावनी ने दुनिया को एक और युद्ध की आशंका से हिला कर रख दिया, क्योंकि चीन तो तैयार बैठा है, उसे जैसे ही सही मौका मिलेगा वो उसे लपक लेगा और ताइवान हथिया लेगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका छोटा सा ट्रेलर यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन दुनिया देख चुकी है।
क्योंकि 24 फरवरी को एक ओर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो दूसरी ओर चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान की एयर स्पेस में घुस गए। चीन की इस हरकत से जापान के कान भी खड़े हो गए थे। वहां के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने तो ताइवान की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए अमेरिका तक से सवाल पूछ लिया, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर रूस खुलकर चीन का साथ दे रहा है। इस मामले में दोनों देश दुनिया के सामने अपनी दोस्ती का डंका भी पीट रहे हैं और यूक्रेन के मुद्दे पर चीन रूस का और ताइवान के मुद्दे पर रूस चीन का साथ दे रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद तो पूरी दुनिया समझ चुकी है कि रूस और चीन की नजदीकियां बहुत बढ़ गई, क्योंकि चीन के कहने पर ही रूस ने विंटर ओलंपिक्स खत्म होने का इंतजार किया और उसके बाद ही यूक्रेन पर हमला किया। क्योंकि माना जा रहा है कि अगर ये हमला दिसंबर में होता तो यूरोप की प्रतिक्रिया थोड़ी ठंडी हो सकती थी, क्योंकि उस समय वहां के देशों को अपने यहां हीटर और उद्योग चलाने के लिए रूस की गैस की ज्यादा जरूरत थी। मतलब चीन की वजह से रूस ने हमले के लिए ऐसा समय चुना जब उसका ज्यादा विरोध हो रहा है। जिस तरह से रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, उसी तरह से चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और इसीलिए यूक्रेन युद्ध को चीन और ताइवान जंग की आहट माना जा रहा है। और यूक्रेन के खार्किव पर रूस की तरफ से किए गए सीरियल धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई है और एक रोज पहले ही रूस ने खार्किव पर कब्जे का दावा किया था। इसके बाद वहां के गवर्नर ने यह दावा किया कि शहर पर एक बार फिर से यूक्रेन की सेना ने नियंत्रण पा लिया है, जिसके बाद खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में शहर के एक रिहायशी इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसी तरह की एक और तस्वीर शहर के एक दूसरे इलाके में भी सामने आई। वहां भी रूस की सेना ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाने के लिए कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद वहां ताबड़तोड़ ब्लास्ट होते नजर आए। इन धमाकों की वजह से पूरा शहर कांप गया। देखने से ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका धूल और धुएं के गुबार में समा गया हो। रूस की सेना के इन हमलों की वजह से वहां बड़ी तबाही मची। हवाई हमले में कई मकान ध्वस्त हो गए। यही नहीं, एक मकान के अंदर तो एक मिसाइल तक पड़ा दिखा जो छत को छेदते हुए वहां गिरा था। अगर यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग के विरोध में रूस के ही कई शहरों में शुरू हुए प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। खबर है कि अब तक 5,000 से अधिक लोग हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। लेकिन विरोध की आग फिर भी रूस में नहीं थम रही। वहां युद्ध के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जोरदार झड़प हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध भी किया। इन्हीं में एक महिला को जब कुछ पुलिस वाले घसीट कर ले जाने लगे तो उसके साथी पुलिस वालों से ही भिड़ गए। पुलिस के इस रवैये से भड़के लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। एक दिन पहले सेंट पीटर्सबर्ग में भी जंग के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के साथ खड़े बेलारूस में भी करीब 800 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये सभी जंग के विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे थे। वहीं रूस और